इसी के साथ दुर्ग से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना है चंदूलाल चंद्राकर सरकारी मेडिकल कॉलेज। आपको बता दें ये राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बन चुका है। एमबीबीएस 2022 के बैच के लिए 200 सीटें भी मिल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेगुलर सीटों की संख्या को लेकर कुछ दिनों पहले ही 150 सीटों की अनुमति मिली थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50 सीट मिले हैं। आपको बता दें इस तरह राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर से पहले नंबर पर आ गया है दुर्ग का सीएमसी कॉलेज। राज्य का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर बन चुका है। आपको बता दें एमबीबीएस 2022 के बैच के लिए 200 सीटें भी मिल चुकी हैं। आपको बता दें रेगुलर सीटों की संख्या को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50 सीट हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्ग से सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। सुबोध, क्या कुछ खास है इसमें, बताइए, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। प्रियंका जी, जैसे ही यह खबर पूरे शहर में और अखबार से मीडिया से लोगों को पता चली कि चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसकी सीटों में इजाफा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों पहले 10 नवंबर के बाद है कि 150 सीटों की अनुमति मिली थी, उसके बाद अब 50 सीटों की और अनुमति मिल गई है। इससे जो छात्रों का संगठन है, या कहें कि छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वह खुशी से लबरेज हो चुके हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीसीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा। प्रदीप जी, आपका सबसे पहले स्वागत है TV24 के इस मंच पर। थैंक यू। जैसा कि सभी को अब ज्ञात हो चुका है, पता चल चुका है कि 50 सीटों की आज बढ़ोतरी हुई है, अनुमति मिल गई है, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा मेडिकल कॉलेज अभी राज्य में सबसे ज्यादा सीट है उनको मिली है, माने ईडब्ल्यूएस को मिलाते हुए 200 सीट हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है। और हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा ऑलमोस्ट है। आपको मालूम है जो 4 साल डिसकंटिन्यू के बाद थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अव्यवस्थित है, उसको हमारे पूरा सभी हमारे जो डॉक्टर्स है और प्रशासन, जिला प्रशासन एवं जो छत्तीसगढ़ शासन की जो सभी हमारा सेक्रेटरी एवं मंत्री महोदय सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव है और इसको व्यवस्थित करने में हम लग गए हैं। 200 बच्चे का जैसे क्लासरूम में बैठना, क्लासेस होना, हॉस्टेल्स इत्यादि का हम पूरा उसके लिए लग गए हैं और वो सभी चीजें हो जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, उसको हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमको व्यवस्थित करना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आधार हमारे पास पहले से मौजूद है तो अनुमति मिलने में जो देरी हुई, ऐसा कहा जा सकता है कि आप लोगों ने प्रयास पहले से किया रहा होगा, पर अनुमति मिलने में देरी हुई या जैसा हम चाह रहे थे वैसी अनुमति हमको मिल गई? अनुमति तो क्या है, जैसे बंद था उनका एक शेड्यूल होता है, हम लोग उसके फीस वगैरह जमा कर दिए थे एनएमसी में, उनके एक प्रोसीजरल है, इसी प्रोसीजरल का आधार पर हुई है, क्योंकि हम जनरल नॉर्म्स में नहीं थे, क्योंकि हमारा 4 साल डिसकंटिन्यू है ना, इसीलिए हम स्पेशल केस में आ गए थे, इसीलिए हमारा थोड़ा लेट हुआ है। इसको लेट नहीं बोल सकते, वो प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल प्रोसेज में सब चल रहा था। ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अब दुर्ग जिला का जो ये सीसीएम मेडिकल कॉलेज है वह राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर से भी आगे बढ़ चुका है, पहले नंबर पर आ चुका है और सीटों की संख्या के साथ साथ बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल भी मिलेगा, कैसा भविष्य रहेगा यहाँ के बच्चों का मेडिकल के क्षेत्र में? देखिए, ये तो पहले दुर्ग जिला जो है, दुर्ग में जो भिलाई और दुर्ग है, पहले ही ये सरस्वती माँ की नगरी है, यहाँ पढ़ाई लिखाई का तो इतना अच्छा माहौल है, उसके साथ हमारा जो मेडिकल कॉलेज की इतना सीटें आ गई, सभी बच्चों के लिए तो वरदान है ही है, सब खुशी है। तो हमारा यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का माहौल पहले से ही इस दुर्ग जिले में और भिलाई में है ही है, तो इसके लिए हमको ये आपको सुविधा देगा और इस एनवायरमेंट में हमारा मेडिकल प्रशासन को, हमारे कॉलेज प्रशासन को इस माहौल तैयार करने में मेरे को लगता है वो कठिनाई नहीं होगी, वो अच्छा ही रहेंगे। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके भी सहयोग से जो चंदूलाल चंद्राकर
मेडिकल कॉलेज है, उसकी वजह से इसे ये प्रोग्रेस मिला। ऑब्वियसली शासकीय कॉलेज है, शासन के सहयोग बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। शासन सहयोग करता है तो, हम तो शासकीय नौकर है तो शासन सहयोग करता है तो वह आगे बढ़ जाता है। ऑब्वियसली हमारे देश की गरीब जनता और स्वास्थ्य के प्रति सेवा करे, ये हमारी सबको इच्छा और शुभकामनाएं। जैसा कि प्रियंका जी आपने सुना, डॉक्टर पी के पात्रा जी का कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग हैं उन्हें अब 50 सीटों की अनुमति के बाद यहाँ पे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और वे मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। जी प्रियंका जी, जी सुबोध, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।